आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में शहरी क्षेत्रों में झीलों तथा तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए 21 शहरों में 56 करोड़ रुपए से अधिक योजना को स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि आगामी 18 मार्च को प्रदेश सहित कटनी जिले के माधवनगर में सिंधी समाज के लोगों को पट्टे आवंटित किए जाएंगे। श्री चौहान ने एक सप्ताह में विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने की मंजूरी दी। वहीं शिवपुरी जिले के रन्नौद ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने की भी घोषणा की। आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तारीख दी है कि जो मर्जर के केस है, जो सिंधी विस्थापितों के पट्टे हैं, अवैध कालियों को वैध करने वाले मामले हैं, बंगला बबीचा जैसे प्रदेश के अंदर कई मामले लंबित हैं, उन सबको एक साथ 18 तारीख निश्चित कर दी है। इस दिन सभी का निराकरण कर दिया जाएगा। शिवपुरी जिले की रन्नौद ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की, नगर परिषद बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज कैबिनेट के द्वारा उसको मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय जेल के लिए जो 30-31 दरमियानी रात को 8 बंदियों के भागने की घटना की जांच हेतु जो समिति बनी थी, उसका प्रतिवेदन आ गया है और उसे पटल पर रखने की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में उज्ज्वला योजना को सफल बनाने के लिए आगामी अप्रैल और मई माह में अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल मंत्रालय में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विशेष आतिथ्य में संपन्न उज्ज्वला योजना और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान गरीबों को आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन भी प्राथमिकता के साथ दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के प्रमुख प्रतिनिधियों के एक दल ने धार जिले की शक्ति पंप्स लिमिटेड में कल दौरा किया। इस दल में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव भी थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सोलर ऊर्जा को लेकर अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसी कारण सोलर समिट में शामिल दल के दौरे के लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधवा महिलाओं को कल्याणी संबोधित करने के लिए महिला संगठनों से जन जागृति अभियान चलाने का आह्वान किया है। श्री चौहान कल मुख्यमंत्री निवास पर महिलाओं के हित में की गई घोषणाओं के लिए आभार ज्ञापित करने पहुंचे महिला सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में महिला जागरण और आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की नई लहर उत्पन्न करें। रायसेन जिले के बाड़ी में किसान अपने टमाटर की फसल जानवरों को खिलाकर नष्ट कर रहे हैं। यहां टमाटर 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया था। बाड़ी का टमाटर दिल्ली, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, राज्य के कई शहरों सहित प्रदेश के सागर, विदिशा और भोपाल सहित कई शहरों में जाता है। टमाटर के दाम अचानक गिर जाने से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों का कहना है कि टमाटर के दाम नहीं मिलने से तुड़वाई की मजदूरी भी नहीं निकल रही है, इस कारण उन्हें नष्ट किया जा रहा है। खंडवा निमाड़ के प्रसिद्ध गणगौण पर्व की शुरुआत आज हो गई है। अलग अलग क्षेत्र की बाड़ियों में श्रद्धालुओं द्वारा माता के जवारे बोए जा रहे हैं। ये उत्सव एक सप्ताह तक मनाया जाएगा। आज से निमाड़ के अधिकांश घरों में प्रतिदिन माता के गीत झालरिया गाए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बाड़ियों के किवाड़ 20 मार्च को दर्शन के लिए खोले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पेयजल संकट के निराकरण के लिए जारी सिल्ध जलावर्धन योजना में हो रही देरी को लेकर आमजन में आक्रोश है, जिसको लेकर आज कलेक्टर ने योजना में हो रही देरी के कारणों की जानकारी ली। शाजापुर में पुलिस ने ऑपरेशन खोज के जरिए 51 मोबाइल ढूंढ निकाले हैं। पुलिस द्वारा चलाए जाने वाला यह अभियान अभी भी जारी है। सतना जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम हस्ताक्षर कर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। बड़वानी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 22 केंद्र बनाए गए हैं। इन खरीदी केंद्रों पर 15 मार्च से गेहूं खरीदी की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज देवास के चामुंडा पहाड़ स्थित तुलजा भवानी माता के दर्शन किए।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।